भद्रसेन भैरव, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु, अभी आपका संकल्प पूर्ण नहीं हुआ है, अभी हमारी लौटने की यात्रा शेष है। आप ठीक कह रहे हैं भद्रसेन भैरव, अभी हमें जल और मिट्टी लेकर शक्तिपीठ पहुंचना है। उसके लिए सबसे पहले हमें हवन कुंड को खोजना होगा, जहां पर माता सती ने आत्मदाह किया था। कहां होगा वो हवन कुंड? प्रभु, उस घटना को घटे युग बीत चुके हैं, इस बीच गंगा ने अपना विस्तार कर लिया है, इसलिए राजा दक्ष का संपूर्ण महल गंगा के जल में डूब गया है। इसलिए आपको गंगा के भीतर जाकर उसे खोजना होगा। ठीक है भद्रसेन, मैं हवन कुंड को खोजने गंगा के भीतर जाता हूं। जब तक मैं हवन कुंड की मिट्टी लेकर बाहर नहीं आता हूं, तुम मेरे कांवड़ की रक्षा करना। जैसे आपके आज्ञा भगवान। गुरुदेव, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि राजा दक्ष का महल गंगा के भीतर कैसे चला गया। देवराजेंद्र, यही तो गंगा की महानता है। गंगा का कार्य ही है पापों और दोषों को धो देना। किंतु पाप तो राजा दक्ष ने किया था, तो उसका दोष उसके महल को कैसे लगा? देवराजेंद्र, जब सती ने अग्नि कुंड में कूदकर आत्मदाह किया था, तो राजा दक्ष के महल का कण कण अधर्म का साक्षी हो गया था। इसीलिए राजा दक्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण महल दोषमय हो गया था। राजा दक्ष द्वारा किए गए प्रायश्चित के पश्चात गंगा ने अपना मार्ग बदलकर महल की ओर बहना प्रारंभ कर दिया था, ताकि महल दोष मुक्त हो सके। इसीलिए सारा का सारा महल गंगा के जल से मग्न हो गया। किंतु इतने युगों तक जलमग्न होने के पश्चात क्या वो हवन कुंड सुरक्षित होगा, जिसकी मिट्टी लेने भगवान विष्णु गए हैं वहां? ये दक्ष का महल तो बहुत जर्जर अवस्था में, यहां तो हवन कुंड के कोई चिन्ह भी प्रतीत नहीं हो रहे।